फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत का टेस्ट लगाएंगे। काफी महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं, तो स्टार्ट करते हैं। आपके यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपके सूची फर्स्ट में कुछ किले के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में इनका स्थान आपसे पूछ रहा है कि इनका सही क्या होगा, तो मिलान आपसे करना है। तो देख लीजिए, आपके फोर्ट सेंट डेविस ये किला आपका कहाँ पर है, इसका स्थान आपका कहाँ पर है? तो आपका ये स्थान है आपके जो कि कड्डलोर में, जो ऑप्शन आपका इसका ये आपका हो जाएगा सेकंड में, ठीक है ना। आपका फोर्ट विलियम आप लोग हमेशा जानते हैं कि फोर्ट विलियम आपका कहाँ पर है, तो आपकी ये पड़ता है जो कि कोलकाता या बंगाल में, जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रहा है यहाँ पर बंगाल। नेक्स्ट कर आपते फोर्ट सेंट जॉर्ज ये आपका कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपके मद्रास, जो कि इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर ये फोर में। फोर्ट लुइस कहाँ पड़ता है, तो फोर्ट लुइस पड़ता है आपके जो कि पुदुचेरी में या पांडुचेरी में, इसका हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपके किले हैं और ये इनका स्थान हुआ। याद रखिए, कभी कभी ऑप्शन में आपके पांच भी दे दिए गए, जैसे यहाँ पर बम्बई भी दे दिया है, लेकिन ये सिर्फ घुमाने का प्रयास करता है, ज़्यादा कन्फ्यूज करने का प्रयास करता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आपका यहाँ पर देखेंगे तो मिलान करेंगे तो आपका आंसर आपको यहाँ पर दे दिया है आपका सी है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर विद आंसर और विद डिस्क्राइब इसलिए ले लिया है कि बच्चे कहते हैं सर PDF के माध्यम से जल्दी से रिविजन हो जाता है एग्जाम टाइम में, तो आप PDF में आंसर सहित आप डिस्क्राइब भी दे दिया करिए ताकि हमें समस्या ना हो। तो आपको ये हमारी PDF हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर पाएं। और हम आपको जो लेवल लेके चल रहे हैं वो मैक्सिमम लेवल आपको IAS PCS के ले रहे हैं, ताकि आप मैक्सिमम तैयारी करेंगे तो कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे आपका PCS आने वाला ही है, ठीक है ना, लोअर PCS तैयारी ही कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप हाई लेवल की तैयारी करेंगे तभी आपका लोअर PCS तक निकल सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, यहां पर आपको डिस्क्राइब करके आपके किले का नाम और स्थान भी दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में आपका कह रहा है कि कितनों पर आपका विचार करना है, क्या सही है क्या गलत है, इसको यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है ना। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में आपका देख लीजिए, कह रहा है आपसे यह 1746 में प्रारंभ और 1748 में समाप्त हुआ था, जो कि बात आपकी बिल्कुल यहाँ पर सही है, ठीक है ना। सेकेंड आपसे कह रहा है, कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखलंदाजी की थी, जो कि बात बिल्कुल आपकी सही है। थर्ड आपसे कह रहा है, चांदा साहिब को बंदी बनाकर उन्हें फांसी दिया गया, जो कि बात आपकी बिल्कुल ये गलत है, ठीक है ना। और थर्ड आपसे फोर कह रहा है, युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया, जो कि बात बिल्कुल आपकी सही है। अर्थात यहाँ पर आपके इस युद्ध से जुड़े हुए घटनाएं जो सत्य हैं वो आपका पहला है, सेकंड है, और आपके यहाँ पर आपका फोर्थ है। अर्थात आपका 1, 2, 4 जो आपका है वो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 15 कह रहा है, 15 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है जो कि कर्नाटक युद्ध से संबंधित हैं। बहुत बार क्वेश्चन आपकी कर्नाटक युद्ध से पूछता है। कह रहा आपसे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड के उपयोग के सही उत्तर आपको चुनना है। सूची फर्स्ट दिया है, सूची सेकंड दिया है, अर्थात जो कर्नाटक युद्ध है और उनका जो कह सकते हैं संधि या अंत किसके द्वारा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो आपका सूची सेकेंड आपका हो जाएगा वो आपका यहाँ पर कह सकते हैं किससे मिलान सही होगा, तो मिलान आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका जो कि होगा आपका यहाँ पर फोर, अर्थात प्रथम कर्नाटक होगा आपका यहाँ पर फोर, अर्थात एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ था आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध। जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था, ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध वो आपका पेरिस की संधि से अंत हुआ था, ठीक है, जो कि इसका आपका हो जाएगा ये हो जाएगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध आपका जो अनिर्णायक रहा हुआ था, ठीक है ना, इसमें निर्णय नहीं हुआ था, तो आपका अनिर्णायक अर्थात आपका इसका हो जाएगा द्वितीय से आपका यहाँ पर थर्ड का थर्ड ही हो जाएगा। प्रथम मैसूर युद्ध की बात करें तो प्रथम मैसूर युद्ध में आपकी ब्रिटिश की हार हुई थी, ठीक है, ब्रिटिश की हार हुई थी, इसका आपका यह हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ सही करेंगे तो आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा।
ठीक है ना, सी हो जाएगा। और यहाँ पर आपको इसको भी डिस्क्राइब करके यहाँ पर दे दिया है और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और देख लीजिए आपकी यूपी पीसीएस प्री और आपके 2016 में पूछे भी गए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टफ हैं वही हम यहाँ पर आपको सॉल्व कराएंगे, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो, कोई हो, आपको ऐसे ही आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है आपसे निम्न में से कौन नीला जल ब्लू, या हम लोग जानते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी की जो नीति संबंधित है वो आपकी संबंधित है, आंसर आपको दिख गया है डी अल्मेडा संबंधित है, ठीक है ना। इनके माध्यम से समुद्र में अधिकार कर लिया था, अर्थात कह सकते हैं जितने भी जो समुद्र से यातायात होता है तो उसमें टैक्स बहुत ज़्यादा लेते थे, ठीक है ना। तो उसी के अंतर्गत कह सकते हैं समुद्र में आपके जो आपके हिंद महासागर हैं वहाँ पर मतलब पूरी तरीके से अधिकार कर लिया था आपके डी अल्मेडा ने, इसीलिए इसे ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर 20 नंबर आपसे कह रहा है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था, किसने अड्डा बनाया था, इसी से संबंधित आपका है जो कि ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, पुर्तगालियों ने, ठीक है, किसने, पुर्तगालियों ने किया था। यहाँ पर देख सकते हैं आपके ये आपको डिस्क्राइब कर दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था, जो कि बहुत ही बार पूछा गया आपसे ये क्वेश्चन, सरल जरूर है लेकिन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था, और ये स्थापित किए थे ऑप्शन राइट आपके डी आपके पुर्तगालियों ने। देख लीजिए कितनी बार आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो ये आपके पुर्तगाली हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इतने बार आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं जो कि नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, कह रहा है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। देख लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में सफलता का राज क्या था, तो पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, जो कि बात बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है आपसे कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, जो कि बात बिल्कुल सही है। थर्ड आपसे कह रहा है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, जो कि बात बिल्कुल सही है। आप उपयुक्त में से आपके तीनों ये प्रश्न आपके सही हैं, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष में प्राप्त किया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष में प्राप्त किया था, ये प्राप्त किए थे। आपके चार ऑप्शन हैं और राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, आपके 1639 में प्राप्त किया था, ठीक है, 1639 में प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे, सबसे अंत में आए थे, कौन आए थे, तो यहाँ पर देख लीजिए आपके चार ऑप्शन हैं और सबसे अंत में आए थे ऑप्शन आपका सी, आपके फ्रांसीसी आए थे, ठीक है, फ्रांसीसी आए। नेक्स्ट कह रहा आपसे यहाँ पर कौन सा, कह रहा भारत में व्यापार के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था, भारत में जो व्यापार के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके संस्थापक कौन थे। यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, राइट आंसर आपका 53 का हो जाएगा ए, आपके कोलबर्ट थे, कौन थे, कोलबर्ट थे, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था। तो फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना लगाया था, आपके ऑप्शन राइट आपके 54 का हो जाएगा, यहाँ पर ए आपके सूरत में लगाया था, याद रखिएगा सूरत में लगाया था, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन, वान डी वास का युद्ध इन दोनों के बीच हुआ था, आप लोग जानते हैं वान डी वास के बारे में कि वान डी वास का जो युद्ध हुआ था वो आपका जो हुआ था वो किन दोनों के बीच लड़ा गया था। ये आपका जो ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, आपके ऑप्शन राइट आपका ए, आपके अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच आपका वान डी वास का युद्ध हुआ था और इसी युद्ध से कह सकते हैं फ्रांसीसियों का निर्णय या फ्रांसीसियों का दमन हो गया था, आपके भारत से हो गया था, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वान डी वास या वान डी वास युद्ध में पराजित हुआ था,
ये आपकी कौन है, तो ऑप्शन राइट आपके ए आपके काउंट लाली, ठीक है, काउंट लाली है, जो कि वांडी वास का युद्ध आपका 1760 में हुआ था, इसी में आपके फ्रांसीसी कह सकते हैं पराजित हो गए थे और यहाँ से चले भी गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, अर्थात यहाँ पर आपके समय समय पर जो आपके यूरोपीय शक्ति भारत में आए वो किस क्रम में आए, हमेशा से प्रश्न आपका पूछा जाता है, देख लीजिए सही क्रम आपका क्या है, आपके कौन कौन सबसे पहले आए, आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, काफी समय से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो आपके सबसे पहले आपके कौन आए थे, तो यहाँ पर आपके कौन आए थे देख लीजिए, आपका यहाँ पर हो जाएगा जो कि 4, अर्थात आपका यहाँ पर पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद फिर आपके यहाँ पर जो आपके थे यहाँ पर आपके डच आए, डच के बाद आपके अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद आपके फ्रांसीसी आए, ठीक है ना, इस प्रकार से ऑप्शन आपका राइट आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय रहे थे, आपकी यूरोपीय जो आपके ईसाई मिशनरीज थे वो आपके सबसे अधिक सक्रिय रहे थे 18वीं शताब्दी के अंत तक, ये आपका जो स्थान है आपके ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, बंगाल और असम, ठीक है, बंगाल और असम तक आपका इनका कह सकते हैं इस समय आपके अधिक सक्रिय रहे थे, यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट कर आपसे, भारत में मुद्रणालय लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे, भारत में मुद्रणालय अर्थात मुद्रा छापने वाला जो आपके थे ये कौन लाए थे, यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, आपके पुर्तगाली ही लाए थे, याद रखिएगा पुर्तगाली ही लाए थे, इन्होंने गोवा में प्रथम मुद्रणालय की स्थापना किया था, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा आपसे यहाँ पर, क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, बस आपके इतने हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसे ही टफ लाएं, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि भारत में जो असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी कब हुई थी, भारत में जो आपके असम है राज्य वहाँ पर सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।